अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, ठीक है, NFA को DFA में कन्वर्ट करना, ठीक है। उससे पहुंचने से पहले मैं एक आप बताना चाहता हूं, जो पावर होती है DFA और NFA, जैसे आपको कोई पूछे कि पावर क्या होती है, कौन पावरफुल होता है DFA या NFA, तो मैं आपको बताना चाहता हूं DFA और NFA इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, इनकी जो पावर होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो DFA से NFA जो कन्वर्जन है मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बिकॉज ऑफ एवरी DFA क्या होता है NFA, तो बट मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ NFA टू NFA से DFA को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें जो हम यहाँ यूज़ करेंगे इस कॉल्ड सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, ये मैं मेथड यूज करूँगा और एवरी NFA को DFA में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैंने क्या किया कि सपोज मैंने मान लिया कोई लैंग्वेज हमें दी गई है, जैसे जो मैंने पिछली वीडियो में बताया NFA आपको किस तरह से बनाते हैं, तो मैं वहीं से एक टॉपिक मतलब लिया मैंने कोई लैंग्वेज, सपोज कि ऑल द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ ए, मान ली स्टार्ट्स विथ विथ ए, इसका NFA बनाना, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है, स्टार्ट्स विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं आप लेंगे कि ऑल द स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है उसका ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो NFA मैंने बताया है, अगर नहीं दिया है तो आप, नहीं देखा है पिछली वीडियो तो आप देखें, इसके बाद यहाँ आए तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी मतलब चाहे वो स्ट्रिंग किसी से भी स्टार्ट हो, चाहे ए से हो, मतलब स्टार्ट्स विथ ही, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो ए होना चाहिए, इसके बाद चाहे ए आना चाहिए चाहे बी आए, कुछ भी आए, पहला अल्फ़ाबेट ए, इसके बाद चाहे बी आए चाहे ए आए बी आए, मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग कैसे हुई पॉसिबल, तो इनमें इसका NFA क्या होता है, सिंपल NFA बनता है, जैसे आसान NFA बनाना, ठीक है, जैसे ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है, तो मैंने क्या किया, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट का मतलब फाइनल स्टेट, और इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ये हमारा NFA हो गया, ठीक है, NFA, ये सिंपल NFA। सिंपल क्या करते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं जो ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो हमारा ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है, इससे मैं क्या करूँगा, स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाऊँगा। तो जो NFA दिया गया है इसका मैं क्या करूँगा, एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाऊँगा, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, जो स्टेट दी गई है आपको इस NFA में, कितनी स्टेट यूज हुई है, ए और बी, यानी कि टू, तो जो टू है रो वाइज लिखेंगे स्टेट को, ठीक है, तो ए और बी टू स्टेट, ठीक है, ए हमारा इनिशियल है तो इनिशियल स्टेट, बी हमारा फाइनल है, ठीक है, तो स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। और जो हमारे जो इनपुट्स हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, ए कॉमा बी टू इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो जो इनपुट्स हैं उनको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है,
तो ए कॉमा बी टू ले लिया, ठीक। अब मैं देखूंगा यहाँ पर जो ए स्टेट है वो ऑन अल्फाबेट ए पर कहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, उसका ट्रांजिशन कहाँ पर मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर ए कोई ए स्टेट है, ए को हम देखेंगे ऑन ए पर कहाँ मूव कर रहा है, बी पर, बी स्टेट पे जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल इस तरह से लिख देंगे, ए जो स्टेट है ऑन अल्फाबेट ए पर मूव कर रहा है बी स्टेट पर, ठीक है, ए ऑन ए बी पर जा रहा है। अब हम बी, अब देखेंगे ए का, हमने देखा अभी किस पे, ए अल्फाबेट पे। अब देखेंगे कि ए बी पर कहाँ मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ए बी पर मूव ही नहीं कर रहा है कहीं पर भी, सिर्फ ए अल्फाबेट पर वो बी पर जा रहा है, बी के लिए वो कहीं मूव ट्रांजिशन नहीं उसका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा फाई, ठीक है। तो फाई यहाँ क्या कहते हैं इसको, डेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये जो एन एफ ए है, ये जो जो आप टेबल देख रहे हैं ट्रांजिशन टेबल, ये किसका है, एन एफ ए का है, ठीक है। तो जो एन एफ ए में जो फाई होता है वो डेट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं, बट ये जब फाई है, जब डी एफ ए का जो ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, डेट स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा ए के लिए मूव हो गया। अब मैं बी जो स्टेट है, मैं देखूंगा ए अल्फाबेट ए और बी पे कहाँ मूव कर रहा है, बी स्टेट। तो बी स्टेट का ऑन अल्फाबेट ए पे देखेंगे तो हमारा जो बी अल्फाबेट है ऑन ए अल्फाबेट पे मूव कर रहा है, कहाँ पर, बी पर ही, खुद ही बी पर ही है वो, ठीक है। तो इट्स सेल्फ कहाँ पर, बी पर, तो बी पर, तो मैंने क्या किया, बी पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि जो बी है वो बी अल्फाबेट पर कहाँ जा रहा है, ठीक। तो बी ऑन बी कहाँ जा रहा है, बी इट्सेल्फ बी पर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी बी लिख देंगे, ये हमारा हो गया इसका एन एफ ए का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, यानी कि टेबल। ये डायग्राम है, ये टेबल है इसका, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया टेबल के रूम में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेथड है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, अब मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा उसको और मैं इसको डी एफ ए बना दूंगा। तो डी एफ ए में बनाऊंगा, डी एफ ए को, डी एफ ए का क्या करूंगा, इस टेबल जो एन एफ ए की जो टेबल है ट्रांजिशन टेबल, इसके इसके अकॉर्डिंग इसको मैं यूज़ करके डी एफ ए का बना दूंगा। अब किस तरह से बनाऊंगा, जैसे सेम लिखूंगा, ए बी ये सब कुछ सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉलम वाइज क्या, इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी और इनिशियल स्टेट ए, ठीक है। तो ए के लिए सबसे पहले देखेंगे, ए के लिए, ए के लिए कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे ए के लिए इस टेबल को देखेंगे, ठीक है। अब इसका काम खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्टेट है ऑन अल्फाबेट कहाँ पर जाए मूव कर रहा है, बी पर, तो मैंने बी कर दिया है, ठीक है। और जो ए है स्टेट वो बी पर मूव कर रही फाइव, यानी कि मैंने कहा था कि अगर ये एन एफ, ये एन एफ ए की ट्रांजिशन टेबल है, ठीक, तो एन एफ ए में क्या होता है फाइव, डेड कॉन्फ़िगरेशन, डेड स्टेट होती नहीं है, तो यहाँ पर फाइव लिख देते हैं। बट जो जो फाइव अगर डी एफ ए की टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करें, डेड स्टेट से रिप्रेजेंट। तो सपोज मैंने मान लिया कि जो डी एफ ए बनाऊँगा उसमें जो डी स्टेट होगी वो डेड स्टेट होगी डी, यानी कि डी एफ ए में, ठीक है। तो मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, डी फॉर डेड स्टेट। जो नेक्स्ट है हमारी स्टेट वो बी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर इसको ना देखते हुए यहाँ से देखेंगे, जो ए है, जो ए से कौन सी रीचेबल स्टेट है, बी और डी, ठीक है। बी ए से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, बी पर, बी स्टेट पे जा रहे हैं और डी पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ से बी को ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर बी को लें तो बी का मूव देखेंगे, ठीक है। जब मूव देखना है ना, ट्रांजिशन किधर मूव कर रहा है, बी स्टेट बी ऑन ए और बी पर, तो मैं इस टेबल पर देखेंगे जो बी स्टेट है वो ए और बी पर कहाँ मूव कर रहा है, बी बी पर, ठीक है, वो इटसेल्फ बी पर कर रहा है। तो यहाँ पर भी बी लिख देंगे, यहाँ पर भी बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे इनिशियल स्टेट लिखा इसके बाद क्या करते हैं, इनिशियल मैंने यहाँ भी लिखा,
इसके बाद ऑन बी पे इस टेबल में देखा कि बी और डी बिकॉज ऑफ फाई यहाँ पे लिख दिया मैंने डी बिकॉज ऑफ डी डी एफ एम क्या होता है डेड स्टेट, तो डी फॉर डेड स्टेट लिख दिया। अब मैं यहीं से देखूँगा ठीक है, इसका काम खत्म ही यहाँ से ये लेने का, ये इस तरह ऑर्डर में नहीं लेना ठीक है, ए ले लिया फिर बी ले लिया ऐसा मत करना, किसी किसी एन एफ एम में ये यूज ही नहीं होती है ठीक। आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा बताऊँगा, तो उसमें ऐसी कुछ स्टेट ऐसी होंगी जो एन एफ एम में हैं बट डी एफ एम यूज ही नहीं हो रही हैं ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहला स्टेट इनिशियल से स्टार्ट करें और जो मूव हैं आप ए और बी पर यहाँ से देखें ठीक है। तो आपने ये देखें यहाँ से, इसके बाद देखें कि जो ए है वो कहाँ पर मूव कर रहा है ऑन अल्फाबेट ए और बी पर, तो बी और डी पर मूव कर रहा है ठीक है। या तो हम बी ले सकते हैं पहले या डी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हमने क्या किया बी लिया ठीक है। तो बी लिया, बी जैसे हम फिर ट्रांजिशन देख रहे हैं कि जो बी है ए और बी पर अल्फाबेट पर कहाँ मूव कर रहा है, तो देखेंगे बी और अल्फाबेट मूव के लिए मैं आऊँगा ठीक है। तो बी ए और बी पर कहाँ कर रहा है, बी बी इटसेल्फ बी पर कर रहा है, तो मैंने बी भी लिख दिया। इसके बाद ए हमारा ए कंप्लीट हो गया, ये तो हो गया, ये हमारा बी कंप्लीट हो गया यहाँ। इसके बाद ये डी बचा था, ये भी तो स्टेट है, तो मैं क्या करूँगा इसके बाद डी को लूँगा। तो जो डी है वो ऑन अल्फाबेट ए और बी पर काम मूव करता है डी इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डेड स्टेट, तो डी और डी। ये जो ट्रांजिशन टेबल है आप ये डी एफ ए का बन गया, ये एन एफ ए का है ठीक है। अब मुझे क्या बना है कन्वर्ट एन एफ ए टू डी एफ ए, ये डी एफ ए का टेबल आ गया, डी एफ ए का टेबल मतलब अगर एन एफ ए का टेबल क्या है ये ठीक है। तो मैंने क्या कहा इस टेबल से इसको निकाल लिया, अब मैं इस टेबल से क्या करूँगा ये डायग्राम बना दूंगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कैसे, तो हमारी डी एफ ए में कितनी स्टेट यूज हो रही ए बी और सी, यहाँ पर देखेंगे कि जो बी है वो क्या हमारी फाइनल स्टेट, तो मैं यहाँ पर भी फाइनल स्टेट लगा दूँगी स्टार लगा दूंगा ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा डी एफ ए बना दूंगा इस टेबल के अकॉर्डिंग ठीक है। तो डी एफ ए क्या ए बी और डी हमारी स्टेट कौन कौन सी यूज हो रही है, ए ए हमारी क्या है इनिशियल स्टेट, तो ए से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, ए से हम जा रहे हैं ऑन अल्फाबेट ए पर हम बी पर जा रहे हैं, और ए से हम मूव कर रहे हैं बी पर डी पर ठीक है। अगर ए ऑन ए बी पर जा रहे हैं, अगर ए के कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है तो हम कहाँ जा रहे हैं बी पर जा रहे हैं ठीक है। ए से हम कहाँ मूव कर रहे हैं बी पर, और ए से अगर बी अल्फाबेट आता है तो हम डी पर जाते हैं यानी कि डेड स्टेट। अगर कोई भी बी आता है तो हम जाएंगे डी, डी फॉर डेड स्टेट और ठीक है यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद बी ठीक है, बी से हम क्या करेंगे कि बी बी से हम ए बी ऑन ए यानी कि बी से अगर अल्फाबेट ए आता है तो हम कहाँ जाते हैं बी पर, और अगर बी अल्फाबेट ऑन बी पर कहाँ जा रहा है बी यानी कि ए और बी पर कहाँ जा रहा है वो बी पर ही, वो अपने पर इटसेल्फ चक्कर लगा रहा है ठीक है। तो हम क्या करेंगे ए और बी के लिए वो क्या है वो बी पर ही मूव कर रहा है ठीक है। बी का ए ऑन बी पर ट्रांजिशन क्या है बी है ठीक है, तो बी ए और बी पर कहाँ जा रहा है बी बी, तो हमने क्या किया ए और बी पर कहाँ जा रहा है बी। इसके बाद डी ठीक है, तो डी ए और बी पर कहाँ मूव कर रहा है डी डी, तो ए जो डी है वो ए और बी पर कहाँ मूव कर रहा है ए और बी पर कहाँ मूव कर रहा है डी इटसेल्फ ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता रहा कि जो स्टार वो हमारा क्या है ये हमारा इनिशियल स्टेट, तो मैंने लगा दिया स्टार बताता है ये फाइनल स्टेट है, जो बी हमारा वो फाइनल है, तो मैं इसको फाइनल कर दूंगा यानी कि डबल सर्कल कर दूंगा ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डी एफ ए ठीक, और ये हमारा एन एफ ए था, इसको मैंने क्या किया इसके थ्रू कन्वर्ट कर दिया टेबल के थ्रू ठीक है। तो ये जो डी एफ ए बना हुआ है कि इसमें क्या नहीं था, ये सिर्फ सिंपल क्या कहता है कि स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्टार्ट हुआ इसके बाद ए आई चाहे बी एक्सेप्ट, इसको बी से कोई मतलब ही नहीं। बट टी एफ एम क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है तो वो रिजेक्शन स्टेट में जाएगी यानी कि डेड स्टेट में जाएगी तो ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा डी एफ ए हो गया, ये हमारा एन एफ ए, ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है डी एन एफ ए की, और ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है
तो ये डी एफ ए की, ठीक है, इस तरह से करते हैं।